अ बुलेट फ्रॉम अ गन इज फायर्ड ऑन अ रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक, एक वुडन ब्लॉक दिया हुआ है, इस पे एक बुलेट को फायर किया जाता है यू स्पीड से, मतलब जब पहली बार इसको फायर किया गया तब इसकी स्पीड क्या थी, यू थी, मतलब यहां पर इस जगह पर इसकी स्पीड जो थी वो यू थी। ये अंदर धसती चली गई, धसती चली गई, और ऐसा बोला हुआ है कि जब ये अंदर 24 सेंटीमीटर तक धस गई तब इसकी जो स्पीड है वो कम होगी ऑब्वियसली, तो पहले की 1/3 रह गई, मतलब अगर यहाँ 30 थी तो यहाँ 10 ही रह गई, यहाँ 60 होती तो यहाँ पे 20 रह जाती, इस तरीके से इसकी स्पीड कम हो गई। अब क्योंकि स्पीड जीरो तो नहीं हुई है तो इसलिए फर्दर आगे चलेगी, और आगे चली 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 और यहां पर आके यू इज इक्वल टू, मतलब फाइनल स्पीड जो है ये जीरो हो गई और रुक भी गई, मतलब इतनी ही इसकी हिम्मत थी कि पूरे ब्लॉक को ये क्रॉस करे और खत्म हो जाए इसकी स्पीड, इतना ही कुछ हुआ है, कोइंसिडेंस जैसा कभी कभी होता है ना कि जस्ट आके रुक गई, वो कहते हैं कांटे की टक्कर, मतलब जब इसकी स्पीड जीरो हुई और उसी टाइम ये ब्लॉक एंड हो गया। यहां पर दिया हुआ है कि जहां पर इसकी स्पीड 1/3 हो जाती है वो 24 सेंटीमीटर पे आता है वो पॉइंट। अब आप खुद सोच सकते हो कि जब 24 सेंटीमीटर ट्रेवल करने में 1/3 हो गई स्पीड, तो थोड़ा सा ही आगे जा पाएगी बस, अब ज्यादा नहीं जा पाएगी, तो पूछा है कि ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, इस तरीके से पूछा हुआ है यहां पर। तो हमें यहां पर इनिशियल स्पीड पता है, फाइनल स्पीड पता है, लेकिन हमें डिस्टेंस नहीं पता कि कितना ट्रेवल किया, वही तो निकालना है, टोटल लेंथ इज इक्वल टू क्या डिस्टेंस है। दूसरी चीज ये है कि हम मान के चलते हैं कि ब्लॉक एक जैसा बना हुआ है बिल्कुल, मतलब जो रिटार्डेशन होगा वो कांस्टेंट होगा, जब रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो हम न्यूटन इक्वेशन लगा सकते हैं तीनों में से कोई भी। अब हमने देखा कि मान लो पहले जो है इसने डिस्टेंस जो ट्रेवल किया वो मान लो S1 है, देन बाद में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो S2 है, तो अगर हमें टोटल निकालना है तो मुझे क्या करना है, S1 प्लस S2 कर देना है, बस इतना मैंने ध्यान रखा, तो मतलब मुझे वेलोसिटी एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का जो रिलेशन है वो लगाना है, तो वो रिलेशन होता है v² = u² + 2as, ये मैं अप्लाई करूंगा, जहां v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन जो यहां पे रिटार्डेशन होगा मतलब माइनस में आएगा ऑटोमेटिकली, और s जो है डिस्प्लेसमेंट है। तो पहले इस केस के लिए लगाते हैं कि जब जो स्पीड है u से u/3 रह गई, उसके लिए लगाते हैं, तो v² = u² + 2s में फाइनल वेलोसिटी कितनी रहेगी, u/3, तो u/3 का स्क्वायर u² / 9 इक्वल्स टू इनिशियल स्पीड u ही है u² + 2a, एक्सेलरेशन तो सेम है, मान लो डिस्प्लेसमेंट है s1, ठीक है, तो इसको इधर भेजता हूं, u² / 9 - u² = 2a s1, तो u² / 9 में से u² जाएगा एलसीएम आएगा 9, इधर आएगा 8 u² / 9 माइनस का ये आ गया 2a s1, कर लेना एलसीएम निकाल लेना है, तो बहुत सिंपल आ जाएगा और इतनी कैलकुलेशन तो तेज होनी ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं हम आगे, अब हम निकालते हैं u/3 से v के लिए, तो जब u/3 से v = 0 हुई उसके लिए निकाल रहे हैं, तो इसी में डाल रहे हैं वापस से v 0 हो गया, 0 = u², मतलब u² / 9 प्लस 2a, अगेन एक्सेलरेशन a यानी कि रिटार्डेशन a, देखो यहां माइनस में आया है, सेम ब्लॉक है इसलिए, और ये हो गया s2, इसको इधर भेज दिया, तो -u² / 9 = 2a s2, ये इक्वेशन 2 बोल देता हूं, और इसको बोल देता हूं इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 1। अब मैं क्या करता हूं, 2 में 1 का डिवाइड करता हूं, LHS में LHS का, RHS में RHS का, तो मैंने लिखा 2a s2 / 2a s1 = -u² / 9 - 8u² / 9, माइनस से माइनस कट गया, 2a से 2a गया, 1/9 से 9 गया, तो यहां पर क्या आएगा, और u² से u² भी गया, तो यहां पर आएगा s2 / s1 = 1/8, तो s1 कितना है, s1 देखो 24 है, तो s2 = 24/8 यानी कि 3 सेंटीमीटर, s2 कितना आ गया 3 सेंटीमीटर, मतलब ये डिस्टेंस कितनी आई है 3 सेंटीमीटर, तो हमें टोटल पता करनी है, तो 24 + 3 27 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन। एक और चीज बता दूं, जनरली बच्चे डाउट करते हैं कि जनरली हम क्वेश्चन करते हैं तो मीटर में चेंज करते हैं, यहां पर मीटर में चेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि यहां पर एक लेंथ हम सेंटीमीटर में लेके आए तो ऑब्वियसली दूसरी लेंथ भी किसमें आ गई, सेंटीमीटर में, और यहां पर सारे आंसर सेंटीमीटर में थे, इसलिए चेंज करने की नीड नहीं पड़ी, क्योंकि डिवाइड वाला फॉर्मूला हमने काम में लिया है इसलिए।